प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 की 99 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। फिट फिट भूंडी आशा तू थई सागरनी, धनी मेल्या विसारी, जीवने सफल जे हाथ लाग्यू, भूंडी ते तू बैठी हारी। हे आशा, तुझे वारंवार धिक्कार है क्योंकि तू भी मोहसागर की बन गई। तूने धनी के साथ मिलाप तो किया, परंतु बाद में उन्हें भूलकर छोड़ दिया। इस प्रकार जीव की सफलता के आधार हस्तगत हुए थे, हे पापिन तू उन्हें खो बैठी। एह फल ते मुकी करी ने नीच वस्त का लीधी, ए दोष सर्वे जीवने बैठो, तूने सिखामण नव दीधी। सतगुरु धनी द्वारा प्रदत्त उस अखंड धन को छोड़कर इन सांसारिक सुखों जैसी तुच्छ वस्तुओं को तूने क्यों ग्रहण किया? इन सब का दोष जीव को लग गया है क्योंकि तूने उपदेश नहीं दिया। हवे आश धनीनी घनी मोटी, थाईस हूँ विचारी, मणा नहीं राखूं कोई आसड़ी, हवे ले जो सुफल संभारी। अब धनी जी को प्राप्त करने की बड़ी आशा लेकर मैं विचार मग्न रहूंगी, किसी भी प्रकार की इच्छा की कमी नहीं रखूंगी। इसीलिए हे जीव, जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी संभाल रखो। अचेत गुण तू आव्यो अकर्मी, धाख थावा नव दीधी, जीवने जे नीत हाथ लागी, भूंडा ते जुई की थी। हे अकर्मण्य अचेतन गुण, मेरा तेरा आगमन भी हो चुका है, तूने हमारी इच्छा पूरी होने नहीं दी। मेरे जीव को सतगुरु रूपी धन प्राप्त हुआ था, हे पापी तूने उसे उनसे विमुख कर दिया। ए नी धनी के ही बात करूं, भूंडा फिट फिट गुण अचेत, तुझ बैठा तीव्रता न आवी, नहीं तो ए निध हूँ लेत। इस सतगुरु रूपी धन की मैं क्या बात करूँ, हे अचेतन गुण तुझे धिक्कार है, तेरे होते हुए तीव्रता की भावना पैदा नहीं हुई, अन्यथा मैं सतगुरु रूपी अखंड धन ग्रहण कर लेती। अचेत कहे हूँ सागर नो, ते जाऊं छू सागर माहे, नीध तमारी तमे पामो, ग्रहु तीव्रता बाहे। अचेतन गुण प्रत्युत्तर में कहता है, मैं तो मोहजल का हूँ, इसीलिए सांसारिक माया की ओर ही जा रहा हूँ। तुम अपना धन प्राप्त कर लो, मैं तो तीव्रता की बाह पकड़ता हूँ। फिट फिट भूंडा गुण कहूँ तीव्रता, मुने मल्याता धाम धनी, एवो अवसर कोई निगमे, ते की धीमो सु भूंडी घणी। जीव कहता है, हे तीव्रता गुण तुझे भी वारंवार धिक्कार है, मुझे धाम धनी प्राप्त हुए थे, ऐसा सुंदर अवसर क्या कोई अपने हाथों से जाने देगा? हे पापी तूने मेरे साथ अति नीचता का व्यवहार किया। वली अवसर आव्यो छे हाथ मा, हवे तीव्रता तू संभारे,
रात दिवस तू जीवने दौड़ावे, एक पाव पल मां विसारे। अब पुनः वही सु अवसर प्राप्त हुआ है, इसीलिए हे तीव्रता अब तू सचेत हो जा। रात दिन जीव को धनी की ओर दौड़ाती रहना, ताकि वह एक क्षण के लिए भी धनी जी को नहीं भूले। तीव्रता कहे हूँ बलवंती, जीव ने दऊँ हूँ जोर, वश करी आपूँ धनी तमारो, करूँ पादरा दोर। तीव्रता कहती है यह सच है कि मैं बलवंती हूँ, जीव की सहायता के लिए मैं अपना बल लगा देती हूँ। तुम्हारे धनी जी को वश करने के लिए मैं जीव को सीधा कर देती हूँ। सील संतोष हवे आव जो ढूकड़ा, बांधो सागर आड़ी पाल, गुण सगला कैसो तेम कर से, नथी कोई बीजो जंजाल। हे सील संतोष गुण अब तुम मेरे पास आ जाओ, यह इस मोह सागर के चारों तरफ पाल यानी बांध बांध लो। तुम जैसा कहोगे सारे गुण वैसा ही करेंगे, अब अन्य कोई जंजाल नहीं है। शील कहे संतोष सुनो, आपने की था छे पाल, पर्वत ताणे पूर सागर ना, माहे वह वट छे निताल। शील गुण कहता है हे संतोष तू सुन, हमें मोह सागर पर बांध बनाना है, परंतु यह मोहजल का प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि बड़े पर्वत को भी बहा सकता है। आमलिया अलेखे दी से लहरों मेर समान, मछ जोरावर माहे छे मोटा, पाल करवी एणे ठाम। इसमें विभिन्न प्रकार के सत रज तम आदि के भंवर दिखाई देते हैं, तथा काम क्रोधाग्नि लहरें भी मेरु पर्वत के समान ऊंची उठकर उछल रही है। इच्छा तृष्णा आदि बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे हैं, ऐसे स्थान पर हमें बांध बनाना है। हवे बांधिए पाल खरो करी पाइयो, जेम खसे नहीं लगार, पछे जल पोते ज्यारे ठाम ग्रहे से, त्यारे सामू शोभा थाय अपार। अब मजबूत नींव डालकर बांध बनाना है, ताकि वह तनिक भी नहीं हिले। समय बीतने पर जब माया मोहरूपी जल अपने स्थान पर पहुंचकर रुक जाएगा, तो हम सबकी शोभा बढ़ेगी। वे ए पाल अमे बांध सू जीव जी, पण तमे थाओ तत्पर, आ अवसर बीजी बार नहीं आवे, शोभा साथ माहे लियो घर। सील संतोष कहते हैं हे जीव अब हम इस बांध को मजबूती से बना रहे हैं, अब तुम तैयार हो जाओ, ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए परम धाम में तथा यहाँ सुंदर साथ के बीच शोभा प्राप्त कर लो। अवे जाग जीव तू जो पे बलिया, तूने के ही दऊं गाल, मैं तूने घणुए फिटकारियो, पण चुकियो अवसर निनाल। हे बलशाली जीव अब तू अच्छी तरह से जागृत हो जा, तुझे कटु शब्द कैसे कहूँ, मैंने तुझे बहुत धिक्कारा है, फिर भी तू निश्चय ही अवसर चूक गया। कठिनाई में जोई जीव तारी, अति खरो निखर अपार, धनी धमी धमी ने था किया, पण नेठ नव गलियो निर्धार। हे जीव मैंने तेरी कठिनाई को देखा, तू सचमुच अत्यंत कठोर है। धामधनी समझा समझा कर थक गए, किंतु तू तनिक भी नहीं पिघला। प्रकरण 20 चौपाई 525। हे सुंदर साजी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।